नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का। दोस्तों आज का छोटा सा सेशन आप लोगों को दो नंबर दिलाएगा, तो बस ये 5 से 6 नंबर के वीडियो है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, आपका सीटेट या बीपीएससी टीचर में आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन कहता है, यदि एक समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप 108 डिग्री है तो इसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी। ऑप्शन दिया गया है 6, 7, 8, 5। अब आइए पहले आपको हम समझाते हैं कि बहुभुज क्या होता है और उसमें ये समबहुभुज क्या है, उसके अंतःकोण के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है और बाह्य कोण के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, किस प्रकार से हम लोग अंतःकोण को जानते हुए बाह्य कोण के हेल्प से हम लोग भुजाओं की संख्या को निकाल सकते हैं। आइए समझते हैं। देखिए आपको समझाने के लिए हम फिलहाल एक 6 भुजाओं वाला बहुभुज ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको आकृति जाना पहचान लगे, आप आसानी से इसको समझ सकते हो। अब आप जो इसका यहाँ जो नीचे भुजा है आप इस पर ध्यान देंगे, अगर हम इस भुजा को बढ़ा के आगे कर दें, अगर हम इस वाले भुजा को भी अगर हम सीधा अगर इसको बढ़ा के आगे कर दें, इस वाले भुजा को भी बढ़ा के अगर आगे कर दें और इस वाले भुजा सॉरी ये वाले भुजा को भी बढ़ा के अगर हम यहाँ तक ले जाएं, सभी भुजाओं को बढ़ाते हुए अगर आप आगे करेंगे और ये भी बढ़ेगा, तो आपको ये एहसास होगा देख करके कि भाई सभी भुजाएं कहीं ना कहीं एक क्या है, सीधी रेखा है ना दोस्तों, क्या है, सीधी रेखा है। और आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि अगर एक सीधी रेखा है तो उस पर दोस्तों कितना का कोण बनेगा, 180 डिग्री कोण बनेगा। फिर से बोलिए, कितना कोण बनेगा, 180 डिग्री कोण बनेगा। अब दोस्तों कहता है कि ये जो बहुभुज है इसका प्रत्येक अंतः कोण 108 डिग्री का है। दोस्तों अंतः क्या हो गया, इनर एंगल, मतलब दोस्तों क्या हो गया, अंतर का कोण, अंतर क्या हो गया, अंदर कोण, अंता मतलब अंदर, बाय मतलब बाहर। अब अगर ये अगर एक सीधी रेखा है, अगर ये एक सीधी रेखा है तो अगर इसमें से एक एंगल सॉरी 108 है ये, अगर यदि एक एंगल 108 है और आप जान रहे हैं कि पूरा का पूरा 180 होता है, ये पूरा का पूरा 180 होता है, तो बाकी बचा हुआ दोस्तों कितना होगा, 72 डिग्री होगा। इसी प्रकार से सारे बाह्य जो एंगल हैं, सभी जो बाहरी कोण हैं दोस्तों कितना हो जाएगा, 72 डिग्री करके हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, धैर्य से, बड़ा ही आराम से समझा रहे हैं आपको, ठीक है। तो सभी बाह्य कोण दोस्तों कितने हो गए, 72 डिग्री के। लेकिन अभी हम लोग को ये मालूम नहीं है कि ये जो आकृति है समबहुभुज का ये 6 भुजाओं वाली है कि 5 भुजाओं वाली है, वही पूछा गया हम लोगों से। तो समबहुभुज का एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कि समबहुभुज के सभी बाह्य कोण यानी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। आप ये ध्यान रखेंगे कि बाह्य कोण जितने भी होंगे समबहुभुज में, अगर सबको हम जोड़ेंगे कि दोस्तों कितना होगा, 360 डिग्री। अब वो समबहुभुज 5 भुजाओं वाले हो, 7 भुजाओं वाले हो, 10 भुजाओं वाले हो या 1,000 भुजाओं वाले हो, उससे मैटर नहीं करता है, लेकिन उसके बाह्य कोण को सबको जोड़ो दोस्तों कितना होगा, 360। अब सोच के देखो कि आप एक बाह्य कोण निकाल लिए कितना है, 72 डिग्री, और सभी बाह्य कोणों का ये दोस्तों कितना है, 360 डिग्री। तो एक काम करते हैं, भुजाओं की संख्या अगर निकालनी होगी, ध्यान रखेंगे भुजाओं की संख्या निकालनी होगी दोस्तों, ऊपर लिखते हैं, तो भुजाओं की संख्या निकालते समय आप केवल इस बात का ध्यान रखेंगे कि पूरा जो 360 डिग्री दिया गया है उसमें से एक बाह्य कोण के मान को आप क्या करेंगे, उससे भाग कर देंगे, तो 72 पंचे दोस्तों हो जाएगा 360। तो अब बताइए, जो बहुभुज की हम चर्चा कर रहे हैं इसमें भुजाओं की संख्या कितनी हो गई, बिल्कुल दोस्तों 5 हो गई, है ना। तो यहां से सीखने को क्या मिला कि एक बहुभुज के अगर हम सभी बाह्य कोणों को अगर हम बढ़िया से जोड़ देते हैं, सभी को ऐड कर देते हैं, तो दोस्तों उसका सम यानी योग कितना होगा, 360 डिग्री। अब मान लीजिए आप में से किसी को बहुभुज चैप्टर अच्छा से पढ़ना है, शुरू से पढ़ना है, तो इस टॉपिक को हम पहले भी पढ़ाए हैं यूट्यूब पे, तो जाकर के आप सर्च कर लेंगे पॉलीगन या बहुभुज बाय प्रीतम सर या सिद्धार्थ जी क्वेश्चन पॉइंट, आपको मिल जाएगा। आइए दोस्तों आज का देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्योंकि ये सवाल आपका एक नंबर का आएगा तो एक नंबर आपका पक्का हो चुका है। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो दिया गया है ये वर्गमूल घनमूल चैप्टर से दिया गया है और इससे एक क्वेश्चन आपके हर एक टेट में आता है, चाहे वो सी टेट हो, यूपी टेट हो, बिहार टेट हो, कोई भी स्टेट टेट हो या फिर बीपीएससी जो टीचर एग्जाम आ रही है उसमें भी यहां से क्वेश्चन रह सकता है।
तो अब देखिए इतने बड़े बड़े संख्याओं में हमको वर्ग संख्या ढूंढना है यानी स्क्वायर नंबर ढूंढना है तो थोड़ा सा टेढ़ा खीर हो जाता है नहीं, सर्च करना कि भाई कौन सी संख्या इसमें स्क्वायर होगी। तो आपको बस इतना करना है कि एक से लेकर के 24 तक, ध्यान सुनिएगा, एक से लेकर के 24 तक जितनी भी संख्याएं हैं सबका आपको स्क्वायर अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे 12 का 144, 13 का 169, 17 का 289, ऐसे करके आपको सारे स्क्वायर याद होने चाहिए। कहां तक? 24 तक। अगर ऐसा है तो आप किसी भी स्क्वायर संख्या को ऑप्शन से अलग कर सकते हैं, छांट सकते हैं। देखिए जब आप 1 से लेकर के 24 तक के स्क्वायर नंबर को देखोगे तो 1 से 24 तक में किसी के लास्ट में, जैसे मान लीजिए हमने कहा 13 का स्क्वायर, तो 169 हम लास्ट इसकी बात कर रहे हैं, अंतिम दो अंक की बात कर रहे हैं, तो किसी के भी अंतिम दो अंक में 51 नहीं होगा तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। किसी के अंत में 13 नहीं होगा तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। किसी के अंत में 15 भी नहीं होगा तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। लेकिन 41 21 के स्क्वायर में होता है 441, तो ये आपका हो जाएगा पूर्ण वर्ग। ओके दोस्तों, अगर इससे संबंधित अगर आपको देखना है वीडियो, मैंने परफेक्ट स्क्वायर की पहचान के लिए एक वीडियो बनाया है, जाके उसको आप सर्च कर सकते हैं, काफी लोगों ने देखा है, उसको भी आप अच्छे से देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, दो क्वेश्चन दो नंबर आपका आज पूरा हुआ, फिर मिलते हैं, जय हिंद।